आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। सर्किट हाउस में हुई समिति की बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है, समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने की बैठक। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। सर्किट हाउस में हुई समिति की बैठक, समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने की बैठक। डीजीपी मुकुल गोयल की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 1:45 पर सिग्नेचर बिल्डिंग में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडीजी, एलओ, आईजी, एटीएस भी उपस्थित रहेंगे, एटीएस की वार्षिक उपलब्धियों की देंगे जानकारी। डीजीपी मुकुल गोयल की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 1:45 पर सिग्नेचर बिल्डिंग में होगी प्रेस वार्ता। एडीजी, एलओ, आईजी, एटीएस भी उपस्थित रहेंगे, एटीएस की वार्षिक उपलब्धियों की देंगे जानकारी। यूपी में बंद हुए 8वीं क्लास तक के स्कूल, 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन का ऐलान। अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुलेंगे स्कूल। यूपी में बंद हुए 8वीं कक्षा तक के स्कूल, 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन का ऐलान। अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुल सकेंगे स्कूल। उन्नाव दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जनविश्वास यात्रा जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी होंगी शामिल, यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचेंगे हरदोई सांसद। रामलीला मैदान में होगी जनसभा, उन्नाव दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जनविश्वास यात्रा जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जनविश्वास यात्रा का आयोजन आज उन्नाव में होना है, कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, सीएम योगी ने किया 1,305 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया, 45 करोड़ की लागत से बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, सीएम योगी ने किया 1,305 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।